ये ली पंच। मैं बीते 25 सालों तक लॉकडाउन में रही। इचल करंजी की प्रीति पटवा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम के एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित है। ये मांसपेशियों की कमजोरी से जुड़ा एक डिसऑर्डर है। जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो वो सिर्फ 20 साल की थी। उस समय वो लॉ की पढ़ाई कर रही थी। धीरे धीरे उनकी गर्दन के नीचे के शरीर ने काम करना बंद कर दिया। मला सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करायचे। मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करना चाहती थी। हमारे संविधान में सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, लेकिन सामाजिक रूप से वंचित लोगों के लिए ये अधिकार इतने सहज नहीं है। मैं ऐसे ही वंचितों के लिए काम करना चाहती थी। LLB में एडमिशन लिया। शुरुआत के 3 महीने तक तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। मैं रोज कॉलेज जा रही थी, लेकिन उसके बाद शायद वो दिसंबर का महीना था, मुझे महसूस हुआ कि मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रही हूँ। मैं बस पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं बस नहीं पकड़ पा रही थी। ये वो पहला मौका था जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में गर्दन के नीचे शरीर कमजोर हो जाता है। क्या हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में 6 महीने के भीतर ही हमें ये एहसास हो गया कि ये एक बहुत गंभीर मामला है। जब हम डॉक्टरों से मिले तो उन्होंने हमें बताया कि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। उन्होंने हमें इसके बारे में बताया। मैं जान चुकी थी कि अब आगे परिस्थितियां और खराब होने वाली हैं। साल 2001 में डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि मैं अब फिर कभी नहीं चल फिर सकूंगी। मेरे अंग एक एक करके मेरा साथ छोड़ रहे थे, लेकिन मेरे परिवार ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उनके प्रेरणा के कारण मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकी। प्रीति के लिए हार मान जाना कभी भी विकल्प नहीं था। उन्होंने जिंदगी की इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री पूरी की और हर तरह की चुनौती को पार करते हुए आगे पढ़ाई जारी रखी। स्टीफन हॉकिंग उनके प्रेरणा स्रोत हैं। इस बात पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। ध्यान इस बात पर रखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि मैं बाकियों की तरह सचमुच में कोर्ट जाकर लॉ की प्रैक्टिस नहीं कर सकती, लेकिन मैंने अपनी सीमाओं को अपने सपनों के आड़े आने नहीं दिया। मेरे पास हर वो जरूरी योग्यता और डिग्री है जिससे मैं दूसरों को लॉ पढ़ा सकता है। शुरुआत के कुछ सालों तक प्रीति ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोल्हापुर में लॉ पढ़ाया भी, लेकिन बीते 5 सालों से वो बतौर प्राइवेट ट्यूटर काम कर रही है। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और लॉ की फील्ड में मेरी जानकारी भी, इसलिए मैंने ऐसे छात्रों को क्लास देना शुरू किया जो जज की परीक्षा में शामिल हो रहे थे। हे क्लासेस मुझे खूब उत्तम पद्धति ने शुरू झाले। फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर बघितलेला आपण। खरं दुसरीकडे माझं शरीर मात्र इस बीच मेरी सेहत भी बिगड़ती जा रही थी। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि 2019 के दौरान तो मैं पेन भी नहीं पकड़ पा रही थी, लेकिन ये सारी मुश्किलें भी मुझे रोक नहीं सकी। प्रीति के पढ़ाए बहुत से छात्र आज सफल वकील हैं। उनके पढ़ाए कई बच्चे अब जज भी बन चुके हैं। ये सब कुछ बताते हुए प्रीति गर्व से भर जाती हैं। अपने स्टूडेंट से जो प्यार और इज्जत मुझे मिली है वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए मैं लगातार खुद को अपडेट करती रहती हूँ और अपनी टीचिंग स्किल्स पर भी काम करती रहती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे कहते हैं कि मैं उनकी बेस्ट टीचर हूँ। मेरे पढ़ाए करीब 30-40 स्टूडेंट आज देश की अलग अलग कोर्ट में वकालत कर रहे हैं और सफल भी हैं। वहीं 4 बतौर जज भी अलग अलग अदालतों में हैं। सबदतिन अपडेट करू शकतो। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ने भले ही उनकी शारीरिक सक्रियता छीन ली हो, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन के दम पर उन्होंने इस रेयर डिजीज को भी हराया। उनकी ये यात्रा न केवल शारीरिक तौर पर अक्षम लोगों के लिए प्रेरणा है, बल्कि हर किसी के लिए एक मिसाल है।